नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जग न्यूज। आइए जानते हैं अररिया नगर परिषद वार्ड नंबर 7 के भावी सुयोग शिक्षित कर्मठ वार्ड पार्षद के प्रत्याशी जसीमुद्दीन से इनका परिचय। जी, मेरा नाम मोहम्मद जसीमुद्दीन हुआ। मैं वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रहा हूँ और सबसे बड़ी चीज यह है कि उस वार्ड में मेरा एक सोच है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि उससे इंसानियत कायम करना। इंसानियत कायम करना है। आगे जब हम अगर आ गए वार्ड में तो हमारे जरिए से कोशिश प्रयास होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और हमारा वार्ड जो है कि अति पिछड़ा से भी पिछड़ा है। 2900 वार्ड में सबसे कमज़ोर वार्ड में विकास मेरा ही वार्ड में हुआ और सब हरिजन वार्ड है, पहले था, अभी तो नहीं है, अभी अति पिछड़ा हो गया है। और वहाँ का लोगों का जो बदहाली है देख करके बहुत ही मतलब ये लगता है कि मतलब शहर में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र जैसा हाल दिख रहा है। जी, मतलब इस तरह का हाल है। अगर आपकी जीत निश्चित होती है महोदय तो इस हाल को परिवर्तित करेंगे विकास के रूप में? पूरा कोशिश किया जाएगा, हमारा जो है कि पूरा कोशिश करेंगे वार्ड के विकास के लिए। महोदय, जो रोड की स्थिति है आपके वार्ड नंबर 7 की, उस पर क्या ध्यान रहेगा आपका? पूरा कहे ना कि वार्ड में जितने भी काम हैं, जी, मेरा भरपूर प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना अब तक काम नहीं हुआ है उससे ज़्यादा काम हम करें, मेरा अपना पूरा प्रयास होगा। वार्ड की जो स्थिति हमने भी देखा है महोदय, विद्युतीकरण के क्षेत्र में आपका वार्ड नंबर 7 बहुत पीछे, इस पर आप क्या सुधार लाना चाहेंगे? वही कहे ना कि जब हम आएंगे चुन करके तब फिर। कहने का मतलब है कि वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए आपकी राय बनती है अगर आपकी जीत होती है महोदय तो। अंततः आपसे जानते हैं महोदय, विजयादशमी या दशहरा पर्व के शुभ अवसर पे अपने वार्ड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी संदेश तो ये देना चाहेंगे हम कि हम जो है कि जो आए हैं आप लोग का मतलब जो है कि क्षेत्र में वार्ड वासियों से कि हमको एक बहुत बड़ी उम्मीद है उन लोगों पर और उन लोग पर उम्मीद भी है और हमको लगता है कि सारा जो हमारा वार्ड वासियों हैं वो हमारे उम्मीद पर कायम रहेंगे। धन्यवाद। अभी आपने सुना वार्ड नंबर 7 के युवा शिक्षित सुयोग वार्ड पार्षद के प्रत्याशी मोहम्मद जसीमुद्दीन को, जिन्होंने अपनी राय से मेरे कानूनी जंग न्यूज चैनल को अवगत कराया। देखते रहे।